सो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय YouTube चैनल जिसका नाम है शेफर्ड 13। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया ही रहना। नया दिन, नए दिन की शुरुआत और एक नया एक्सपीरियंस, अर्ली मॉर्निंग राइड और लोकल की बारिश भी जो है वो शुरू हो गई है राइड में। मैंने सोचा क्यों ना आज अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक छोटी सी राइड की जाए, लेकिन राइड के लिए जब मैं निकला तो निकलते ही जो है वो बारिश लग पड़ी। तो अब बारिश जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, तो आनंद लीजिए मोटर ब्लॉगिंग का। तो बारिशों के बाद जो है ना सड़क के हाल देखिए आप, ओ क्या बात, इतने खड्डे हैं सड़कों में यार। तो दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस की बारिश में, और मोटर ब्लॉगिंग करने का जो एक मज़ा है वो एक अलग ही है। तो ये दो नदियां जो है यहाँ पर मिलती हैं, तो एक साइड जो है वो ये सारा जो है वो गंदा पानी है और एक साइड जो बिल्कुल अभी साफ है। तो लगता है कि पहाड़ों पर बारिश जो है वो थोड़ी कम हो रही है। गाड़ी लेने के लिए गए थे हम, तो आपने वीडियो में देखा होगा तो बीच में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो यार ये सब चीज़ें जो बहुत इरीटेट करती हैं। तो अभी भी फ़ोन जो है वो 2% रह गया है और फ़ोन जो है वो बंद होने वाला है। तो अब चुपचाप करके इस फ़ोन को जो है जेब में डाल लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो निकल लेते हैं घर की तरफ। दिन आज बारिश लगी रही और अभी शाम के बज रहे हैं 4:45 और अभी हम निकल रहे हैं घूमने के लिए, मैं और गुगू इवनिंग वॉक के लिए, है ना। हेलो सरदार जी, उपाची पाजी, फिर किधर चल रहे पाजी, कितने कितने चले कितने पाजी 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 जंगल, पाजी जंगल नु की करन चले तुसी, जानवर हो कादे ले, कादे ले जा रहे हो जंगल, कादे ले मतलब क्यों जा रहे हो जंगल, घास काटने। तो गाइस अभी घूमते घूमते देख लिए आप पूरी जॉगिंग ड्रेस में, अभी मैं घूमता घूमता जो है वो कहाँ पहुँचा हूँ, चिन्मय तपोवन जो ट्रस्ट है वहाँ पे आ पहुँचा हूँ। तो देखते हैं अंदर चिन्मय तपोवन आश्रम में क्या देखने लायक है और चलते हैं। तो साथ में गुगू भी आई है, तो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो जो ये चिन्मय तपोवन आश्रम जो है, इसके ट्रस्ट जो है इसके हाँ पहले इसकी हेलो ले लो। तो ये जो चिन्मय तपोवन ट्रस्ट है, यहाँ पर हम बचपन से इस आश्रम में आते थे। यहाँ पर बहुत सारी कथाएं होती थी, बहुत सारे कैंप्स लगते थे और उन कैंप्स को सुनते थे हम। अभी भी मे भी जो है वो कैंप्स लगते हैं और चलते होंगे, क्योंकि अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे है, मतलब थोड़ा सोशल वर्क से भी जुड़े थे तो बहुत अच्छा एक बॉन्ड इस आश्रम के साथ था। तो सामने है हनुमान जी की प्रतिमा, आपको दिखाते हैं वहाँ चल के। Lord Hanuman Idol. Undoubtedly, the most striking feature of the Sidbari Ashram is the unique 25-foot-high idol of Lord Hanuman, whose regal and dynamic pose of ever-ready service is awe-inspiring and visible from the ashram entrance. Lord Hanuman, son of the Lord of the Wind, Lord Hanuman's eyes are firmly set on his Lord in the Rama Mandir. In 1977, Swami Chinmayananda came across the barren, hilly landscape and instinctively knew it was a hallowed space. There he founded Chinmay Tapovan Trust. In 1981, His Holiness Swami Chinmayananda established a Vedanta Institute. तो ये जो रास्ता है ये सीधा ही राम मंदिर के लिए जाता है अंदर। बहुत ही सुंदर मंदिर है राम मंदिर। अगर वीडियो कैप्चरिंग करना अलाउ हुआ तो मैं ज़रूर आपको ये मंदिर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर वीडियो कैप्चरिंग अलाउड है। बहुत आज बहुत सारी यादें जो हैं यहाँ पे आने की जो रिकॉल हो रही हैं एक बार फिर से, कि बचपन में कैसे हम यहाँ आते थे, यहाँ पे भजन कीर्तन करके और शाम के टाइम 6 बजे आरती होती थी और फिर उस आरती को सुन के और फिर घर अपने वापस चले जाते थे। At the entrance of the temple on the left is Lord Shiva's statue along with a Shiva Lingam and Nandi. Sri Rama Temple, one of the beautiful and serene spots in the Sidbari Ashram, is the temple dedicated to Sri Rama, known by all as Rama Mandir. The temple's golden domes glisten from afar, welcoming all devotees. Many consider this temple a place of pilgrimage and visit to pay homage from all corners. नहीं, ये उन्होंने लकड़ी, ये गन्ना है। ये गन्ना खा रहे हैं।
हाँ ऐसे ऐसे झूलते नहीं, इनके दांत टूट जाते हैं बहुत ही कोमल। तो गुगू बहुत खुश हो रही है यहाँ पे आके। अच्छा लगा गुगू यहाँ पे आके? यस। फिर कलयुग आया ना तो ये फिर ऐसे बन गए। जब फिर सतयुग आएगा, त्रेता युग आएगा तो फिर ये हाथी बन जाएंगे फिर। तो यहाँ से सामने जो है वो बहुत ही सुंदर पाइन ट्री और जंगल है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और कितने ही सुंदर लकड़ी से जो है वो एक कुर्सी बनाई है लकड़ी के लट्ठे को काट कर। और सामने इस तरफ है, इस तरफ सामने है मेरा गांव। ये जो सामने है ये यहाँ का पुस्तकालय है, यहाँ पर पुस्तकें मिलती हैं। तो कभी भी किसी को कुछ किसी भी टाइप की गीता लेनी हो या किसी तरह की पुस्तक हो तो यहाँ पर सब कुछ मिलता है। पुस्तकें, रुद्राक्ष माला मिलती है यहाँ पर, तुलसी माला और रुद्राक्ष भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो अभी और भी बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन शिखा एक बहुत मेरे साथ शिकायत कर रही थी कि इतनी अच्छी जगह पर, इतनी सुंदर जो यहाँ पर ये आश्रम है, आज तक मुझे कभी नहीं लेके आया। तो वो बहुत ही मतलब मेरे साथ गुस्सा कर रही है, लेकिन शी इज़ हैप्पी क्योंकि उसने इतना सुंदर आश्रम आज तक कभी नहीं देखा। तो वो बहुत खुश हो रही है कि, और मेरे स्पेशली मुझे थैंक्स कर रही है कि तुमने मुझे इतनी अच्छी जगह पे लेके आया। तो काफ़ी यहाँ पे आके जो स्ट्रेस आउट हुआ है, तो थोड़ा आगे गुरुजी का आश्रम भी है तो वहाँ चलते हैं और वहाँ गुरुजी का आश्रम दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पे आकर मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, दीवार के ऊपर जो इसे पूरी इस बेल ने ना इस दीवार को कवर कर रखा है, बहुत ही देखने में सुंदर लग रही है। और यहाँ पे है गुरुजी का आश्रम, तो आश्रम में दर्शन करते हैं हम पहले। ये तुलसी, ये जो है ना ये तुलसी मतलब प्योर वो है ये तुलसी। तो आइए अब गुरुजी के आश्रम की तरफ चलते हैं। इतनी पीस है ना यहाँ पर, बिल्कुल साइलेंस, मतलब किसी भी तरह का कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं और कोई वो नहीं। और सामने का व्यू देखिए, और बिल्कुल सामने जो है विधानसभा है। तो यहीं पे शूज़ अपने खोलते हैं और चलते हैं वो स्वामी चिन्मयानंदा की जो समाधि स्थल है वहाँ पर। समाधि स्थल ऑफ हिज होलीनेस स्वामी चिन्मयानंदा, द मोस्ट रिवर्ड एंड इंटेंस अबोड ऑफ साइलेंस एंड द फोकल पॉइंट फॉर आश्रम रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स इज द समाधि स्थल ऑफ पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंदा, हु अटेन्ड महासमाधि ऑन August 3, 1993। द स्थल, बिल्ट इन ट्रेडिशनल केरला स्टाइल, हाउसेस स्वामीजीज अष्टधातु प्रतिमा और स्कल्पचर मेड ऑफ 8 मेटल्स। आराधना और वर्शिप इज ऑफर्ड हियर डेली एट डॉन एंड डस्क। जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये सब आश्रम हैं, ये रूम्स जो हैं, जितने भी यहाँ पर जो जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए ये रूम्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे हैं, उधर पीछे हैं, फिर ये जो है यहाँ पर ये सभागार है। और यहाँ पे मैडम को देखिए ये क्यों बैठी है, क्या हुआ क्या हुआ, चलो चले। यहाँ पे मैं गुगू को आज पानी पीना सिखा रहा हूँ कि हाथ से कैसे, हथेली से कैसे पानी पीते हैं। यस यस, हाँ ये जोड़ो, हाँ ऐसे पानी पीते हैं, गुड। मज़ा आ रहा है ऐसे पानी पीने में कि गिलास में ज़्यादा मज़ा आता पीने का, ऐसे मज़ा आ रहा है ना पीने का, हाँ गुड। भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ एक सब्सक्राइबर की कमी है। और बस क्या कहूँ आप लोगों को यार, मैं सबसे यही कहता हूँ कि प्लीज़ यार वीडियो पूरी एंड तक देखा करिए, और जितनी भी एड्स आती हैं उन सबको देखा करिए। और प्लीज़ 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 अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल भी जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। तो चार लोग मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय शिवा, बूम।